एक तो होता है भेड़ चाल चलना है जैसे दुनिया चल रही है वैसे ही काम करना है या अपना एक अलग मुकाम हासिल करना है एक अलग रूट बनाना है आप कोई भी प्लेटफॉर्म आपका कपड़ा बिकता है उसे छोड़िए मत यानी आपको भेड़ चाल नहीं करनी दुनिया जैसे बेच उस रूट से जाना नहीं अलग तरीके से व्यापार करना है अलग आइटम रखने पड़े तो अलग आइटम रखेंगे अलग तरीका बेचने का होगा तो हंड्रेड परसेंट करेंगे इस टाइप से इक्कीसवीं सदी इन लोगों की है जो इस टाइप से सोच पांच रुपए की चाय वाला पांच रुपए की चाय बेच रहा है वही कप प्लेट में देके पंद्रह रुपए की बेच रहा है वही रेस्टोरेंट में पचास रुपए की बेच रहा है वही फाइव स्टार में ढाई सौ रुपए की चाय बेच रहा है चाय वही है प्रजेंटेशन का तरीका अलग है तरीका क्या है बेचने का ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है बिजनेस में दोस्तों अगर आपका बेचने का तरीका अच्छा नहीं है तो आप सोना बेच लो दोस्तों चांदी भी के भाव भी नहीं मिलेंगे नमस्कार प्रणाम आदाब दोस्तों एक बार फिर दिल से स्वागत है अजीत जोन में दोस्तों आज सब्जेक्ट पे बात करेंगे दो तरह के लोग मेरे वीडियो को सुन सकते हैं एक जिन्होंने पहले से काम चालू किया नया और एक जो नया करने जा रहे हैं तो दोस्तों दो सब्जेक्ट है 2023 का बिजनेस आप कैसे और किस तरीके से चाहे कोई भी तरीके से आप बिजनेस करना चाह रहे हो चाहे कपड़े का चाहे और कोई भी तरह का बिजनेस लेकिन दो सब्जेक्ट पे आपको जरूर चिंतन करना पड़ेगा एक तो होता है भेड़चाल चलना है जैसे दुनिया चल रही है वैसे ही काम करना है या अपना एक अलग मुकाम हासिल करना है एक अलग रूट बनाना है एक तो होता है बिजनेसमैन वो जो अपना एक अलग रूट बनाता है उसका सब्जेक्ट उदाहरण इस वीडियो में मैं दूंगा दूसरा शिव खेड़ा जी की किताब में डायलॉग है दोस्तों कि जीतने वाला कुछ अलग नहीं करता लेकिन अलग ढंग से करता है पांच रुपए की चाय पांच रुपए की चाय बेच रहा है वही कप प्लेट में देके पंद्रह की बेच रहा है वही रेस्टोरेंट में पचास रुपए की बेच रहा है वही फाइव स्टार में ढाई सौ रुपए की चाय बेच रहा है चाय वही है प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सिस्टम अलग है देने करने का अलग है इन दो तरीकों पर बिजनेस की मैं बात करूंगा इस वीडियो को अगर आपने हजारों वीडियो सुने होंगे मोटिवेशनल दोस्तों लेकिन कुछ अलग सुनना है अलग कुछ करना है तो इस वीडियो पर बने रहना नहीं करना है तो चलिए तो दोस्तों बिजनेस की बात करूंगा कि अलग ढंग से क्या करना है अगर आपके गांव देहात कस्बे में कहीं पर भी बैठे हो आज आपको मैं एक चिंतन करने की बात देता हूं मैं बिजनेस इस ढंग से करता हूं मैं पिछले 21 सालों का अनुभव है और वुमेंस के बाजार के टोटल आइटम मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ सूरत बैठता हूँ दोस्तों मैं बैठा भी आउटर में हूं लेकिन मैंने मेरा एक रूट बनाया है मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है मैं सक्सेज हूँ आप अगर सक्सेज होते हो दोस्तों तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके गांव देहात में चार दुकान कुर्ती और लेगिंग्स की है चौदह दुकान साड़ी की है समझिएगा तीन दुकान सूट की है दो दुकान आपको वहां पर वेस्टर्न की है वहां पर क्या काम करोगे 90 परसेंट बोलेंगे साड़ी की दुकान करेंगे अगर मैं वहां हूं अगर वहां पर मैं मेरा चिंतन क्या करूंगा पता है आपको अगर इस जगह पे अगर आप इस सिचुएशन में हो जहां पे आप काम करना चाह रहे हो तो इस सिचुएशन में एक चीज सोचना दोस्तों कि मैं वहां पर हूं तो मैं क्या करूं अगर वहां वेस्टर्न बिक रही है साड़ी बिक रही है सूट बिक रही है यानी यह कॉन्सेप्ट की चार पांच तरह की दुकानें हैं तो मैं वहाँ पर बच्चों का काम स्टार्ट करूँगा अगर बच्चों का काम वहाँ नहीं है तो तो ये हो गया अलग रूट अगर बच्चों का काम भी है वहाँ पर दुकानें लगी हैं तो मैं नाइट वेयर में जाऊँगा नाइटी में टू पीस थ्री पीस फोर पीस उसका तो बादशाह बनूंगा ना अगर उस मंडी में उस कस्बे में जिसे नाइट वेयर लेना होगा वो अजीत भाई की दुकान पर आएगा अगर वो भी नहीं है अगर वो भी है तो रेडीमेड में ब्रा पेंटी का लेडीज में काम करूंगा दोस्तों ये तीनों कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं होलसेल में और हजारों लोग हमारे से जुड़े हैं और व्यापार में सक्सेस हैं अगर आप भेड़ चाली चलना है तो वही काम करना है कि उसकी बाजार में पंद्रह दुकानें हैं वही मैं कर लूं तो कभी भी सक्सेस होने की गारंटी कम रहेगी अगर कुछ अलग हटके करना है तो बादशाह बनना है तो एक नया रूट लाना पड़ेगा बच्चों के कपड़ों में जा सकते हो जो 2023 का सबसे तेजी से बिकने वाला डिपार्टमेंट है दोस्तों मैं यह अनुभव मेरा बता सकता हूं क्योंकि मुझे 21 साल का अनुभव है दोस्तों बच्चों के कपड़े जिस तेजी से बिक रहे हैं उसका एक वन प्लस कारण है दोस्तों आप सूट की दुकान कर रहे हो या साड़ी की दुकान कर रहे हो एक आम लेडीज साड़ी को दो साल पहनती है दोस्तों ढाई साल गाँव देहात में तो तीन तीन चार चार साल भी पहन लेती है समझ गए आप मेरी बात को थोड़ा समझिएगा बच्चों के कपड़े 16 साइज से लेकर अड़तीस साइज तक बनते हैं 16 साइज यानी एक साल 18 साइज यानी दो साल यानी एक साल में आपने अपने बच्चे के लिए दस जोड़ी लाई ना तो अगले साल काम नहीं आएगी यानी एक साल में पूरा कन्वर्ट चेन इसलिए तेजी से बिक रहा है आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा व्यापार वुमन्स का सब टाइप का है लेकिन जो पकड़ बच्चों के कपड़ों में है वो जबरदस्त है ब्रा पेंटी ये व्यापार छोटा है कम पूंजी में बड़ा व्यापार हो सकता है मार्जिन बेस जबरदस्त है जो पंद्रह पंद्रह सालों से कपड़ा बेच रहे हैं बॉम्बे का फलाने का ढीगड़ा मेरे व्यापारी हैं जो ब्रा पेंटी का व्यापार कर रहे हैं कहीं कहीं से वो मेरे यहाँ से ले जा रहे हैं ब्रा पेंटी उसका कारण क्या कि का हमने एक अलग ढंग से व्यापार किया हमारे पास हम लेगिंग जेगिंगस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंपोर्टेंट फैब्रिक में पड़ते हैं उसके टुकड़े बचते हैं दोस्तों वेस्टेज जा रहा था हमारे हमने उनके ब्रा और पेंटी बनाना स्टार्ट कर दिया तो हमारा तो उसमें कुछ खर्चा लगा ही नहीं आज हम बारह रुपये अट्ठारह रुपये में ब्रा पेंटी बेच रहे हैं दोस्तों बाईस रुपये में पच्चीस रुपये में तीस रुपये में, में फैब्रिक के ऊपर अलग अलग कलर डिजाइन तो हमारे वो व्यापारी भी जुड़ गए जो पंद्रह साल से कोई मैनुफेक्चर से ले रहे थे फलाने से ले रहे थे वो भी मेरे से ले जा रहे हैं मार्जिन बेस जबरदस्त है और कॉन्सेप्ट है दोस्तों ऐसा है मैंने सिटी शहरों में कई ऐसी दुकानें देखी है जो ओनली फॉर अंडर गार्मेंट की और जबरदस्त भीड़ से माल बिक रहा है चाहे जेंट्स है चाहे लेडीज है यानी आप रूट ऐसा सिलेक्शन कीजिए दोस्तों अगर आपने रूट अच्छा सिलेक्शन किया हंड्रेड गारंटी है बिजनेस में सक्सेस होने की तो ये चीज आपको कुछ रास्ते अलग ढूंढने पड़ेंगे अगर आप 2023 में कपड़े का बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा सा इस टाइप से सोचिए कि आप मेरे एरिया में ज्यादा दुकानें किसकी लोग ज्यादातर क्या करते हैं यार 20-25 सूट है दुकानें हैं तो सब सूट ही बेच रहे हैं इसका मतलब सूट बढ़िया चलेगा ना अब इतनी दुकानें हैं लोग क्या करते हैं जैसे कोई बंदा सीमेंट फैक्ट्री सीमेंट की दुकान लगाता है तो सब सीमेंट की दुकान लगाते हैं या उस सब काम वही करने लग जाते हैं जो कर रहे हैं मैंने विवेक बिंद्रा जी का एक डायलॉग सुना था कि आप जो चीजें ज्यादा हो रही है उस पर मत जाओ उन जो चीजें ज्यादा हो रही उनमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी उन चीजों पर दिमाग लगाओ यानी या व्यापार हो रहा दुनिया भर का लेडीज का गारमेंट का व्यापार हो रहा है तो अब सब व्यापारी करेंगे तो दूसरे क्या करेंगे तो मैं उस जगह हैंगर की स्टेच्यू की दुकान लगाऊंगा अगर मैं वहां पर हूं तो वहां पर मैं हैंगर बेचूंगा स्टेचू बेचूंगा क्लिप बेचूंगा क्यों मुझे पता है जब 25,000 हजार इसकी होगी तो यहां पर हैंगर ये सब चीजें चाहिए यानी कहने का मतलब थोड़ा सोच चेंज कीजिए यानी वो बात सही है शिवखेड़ा जी की जीतने वाला कुछ अलग नहीं करता अलग ढंग से करता है तो वो कॉन्सेप्ट अभी आएंगे लेकिन पहला कॉन्सेप्ट यही है अलग रूट बनाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट जैसे भेड़चाल लोग बेच रहे हैं वैसे मत बेचिए ऑनलाइन प्रोसेस हंड्रेड परसेंट जाइए फेसबुक जाइए वेबसाइट जाइए जितने भी ऑनलाइन के है उन सब पे जाइए पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कही आपको बी ए बी कॉम चाहिए वो प्लान कुछ नहीं ऐसा आप कोई भी प्लेटफॉर्म आपका कपड़ा बिकता है उसे छोड़िए मत यानी आपको भेड़ चाल नहीं करनी दुनिया जैसे बेच उस रूट से जाना नहीं अलग तरीके से व्यापार करना है अलग आइटम रखने पड़े तो अलग आइटम रखेंगे अलग तरीका बेचने का होगा तो हंड्रेड परसेंट करेंगे इस टाइप से इक्कीसवीं सदी इन लोगों की है जो इस टाइप से सोचते हैं और दूसरी चीज दोस्तों प्रेजेंटेशन कैसा है आपका तरीका क्या है बेचने का यह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है बिजनेस में दोस्तों अगर आपका बेचने का तरीका अच्छा नहीं है तो आप सोना बेच लो दोस्तों चांदी भी के भाव भी नहीं मिलेंगे और अगर आपका प्रेजेंटेशन देख यानी माल दिखाने का तरीका पैकेजिंग का तरीका सुंदर है तो आप हंड्रेड परसेंट सक्सेस होने की गारंटी है तो दोस्तों यह तरीका होता है मैंने आपको शुरुआत में एक चाय का उदाहरण दिया था ऐसे ही आप जूस का उदाहरण ले लो कि आप कुछ भी तरह के आप फ्रूट्स ले लो उसका ही अगर जूस बन जाता है तो उसकी रेट अलग हो जाती है वही अगर सीधा फ्रूट लेते हो तो उसकी रेट अलग हो जाती है यानी तरीका चेंज कीजिए बिजनेस में जहाँ साड़ियों में बॉक्स लग रहे हैं वहाँ बॉक्स लगाइए चैन वाला कवर लग रहा है कि चैन वाला कवर लगाइए प्लास्टिक थैली में पैक पैक में देना है तो वो कीजिए यानी तरीका चेंज कीजिए दोस्तों आपकी पैकेजिंग मजबूत होनी चाहिए मैं रेगुलर उदाहरण देता हूँ कि आपका दिखाने का तरीका क्या है आपका आपके जो क्वालिटी है ये चीज़ है आप किस चीज़ में पैकिंग करके दे रहे हो ये क्वालिटी तो उसे बाद में पता लगेगी दोस्तों और आजकल वो जमाना तो गया कि कोई कपड़े की ग्राहक सामने वाला लेने वाला भी पाँच साल की उम्मीद रखे जैसे मैं उस घरों से आया हुआ बंदा हूं जहां मेरी मम्मी अगर साड़ी पहनती थी तो पाँच चार पाँच साल साड़ी पहनती थी बाद में उसकी तकिए की घोड़ी बनाती थी तो मैं उस खानदान से बिलोंग करता हूं और मेरे जैसे हज़ारों लोग होंगे कि मैं उस रूट से आया हुआ हूँ बाद में दो तीन साल वो तकिए की खोली में काम आती थी और बाद में हमारे गांव में रालियाँ बनती थी देसी तो उसमें भी काम आती थी साड़ी की तो उसमें भी काम लगती तो साड़ियों को इतना यूज करते थे अगर वो राली भी नहीं बनती थी तो भी लेडीज़ उस समय बोल देती थी साड़ी में मज़ा नहीं आया तो वो ज़माना अलग था अगर उस सोच पर जाओगे तो व्यापार नहीं कर पाओगे आज का सोच है दोस्तों फ्यूचर आज पहना दो दिन पहना तीन दिन पहना बात ख़त्म पांचवी टाइम तो वो लड़की भी नहीं पहनना चाह रही है उस चीज को इक्कीसवीं सदी है दोस्तों अगर आप उस ख्यालात में बिजनेस कर रहे हो तो वह ख्याला चेंज कर दीजिए इक्कीसवीं सदी पे आ जाइए अगर इस रूट पे आए तो हंड्रेड परसेंट गारंटी के चांस है ऐसे ही नए सब्जेक्ट में आपके साथ लेके आता रहूंगा आप अपना खूब ख्याल रखें वीडियो कैसा लगा अगर और कुछ आपको सजेशन चाहिए अजीत जोन के लिए कि अजीत जोन इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनावे तो जरूर कॉमेंट में डालिएगा बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना खूब ख्याल रखें अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें प्रणाम